भारत देश की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शोएब मलिक से शादी किए पूरे 8 साल हो गया है। इन दोनों का रिश्ता इतने सालों के बाद भी किसी मुश्किल में गिरता रहता है। सानिया कई बार यह बता चुकी है कि उन्होंने यह बताया था कि मैंने भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए शोएब मलिक के साथ शादी नहीं किया है, किंतु इसके बावजूद भी आए दिन इनके परिवार और आपसी रिश्तों को लेकर दो राष्ट्रों की लड़ाइयों के बीच में घसीटा जाता है। भारत और पाकिस्तान की पुरानी इस दुश्मनी को लेते हुए इन्हें हर मामले में कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक विवाद और हाल ही में सामने आ रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस विवाद के बारे में विस्तार से। आप सभी को यह तो पता होगा कि सानिया मिर्जा इस समय गर्भवती हैं। पाकिस्तान मीडिया के एक पत्रकार ने जब पाकिस्तानी क्रिकेटर और सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक से यह पूछा कि उनके बच्चे को कौन सी देश की राष्ट्रीयता मिलेगी। दोस्तों, हालांकि इस सवाल का जवाब देते हुए शोएब मलिक ने बिना बौखलाए और बहुत ही अच्छी तरह से दिया। जाने क्या दिया शोएब मलिक ने जवाब। दोस्तों, शोएब मलिक ने इस सवाल का जवाब मुस्कुराते देते हुए कहा कि तुम अगर मेरे बच्चे के असली चाचा होते तो इस तरह का सवाल पूछते ही नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बच्चे के जन्म से पहले ही बड़ी बहस छिड़ गई हो।